नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम एसक्यूएल सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल सर्वर जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्या है, कैसे है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले आज की जो टॉपिक ये है कि जैसे कि आप जब भी एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी सर्वर नेम चाहिए होता है। अगर सर्वर नेम नहीं है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ इस पर जब क्लिक करेंगे तो ब्राउज का ऑप्शन आता है। ब्राउज को उसमें जाके आप अपनी सर्विसेज को ले सकते हैं, लेकिन इंस्टॉल करते समय कभी किसी चीज की मिसिंग के कारण ये चीज नहीं आती है। तो कैसे इसको लाए, देखिए आपको कनेक्ट करने के लिए दो चीज चाहिए। पहला आपका अपना आपका कंप्यूटर नेम, दूसरा आपका सर्वर नेम। तो कंप्यूटर नेम आपको यहां दिख रहा होगा, आप यहां से ले सकते हैं। तो कॉपी कैसे करें, लिख टाइप करना मुश्किल है, तो विंडो एथेंटिकेशन को छुड़ा के आप यहां एसक्यूएल सर्वर एथेंटिकेशन पे आएंगे। नहीं तो हट जाता है, हाँ विंडो एथेंटिकेशन में आएंगे। तो इसके लिए कंप्यूटर नेम अगर टाइप करना टाइप कीजिए, अगर कॉपी करना है तो आईपीटी अपने इस पे पीसी के ऊपर राइट क्लिक करें और ये आपका कंप्यूटर नेम, यहां से भी कंप्यूटर नेम ले सकते हैं। दूसरा, अब सर्वर नेम किस तरह पता चलेगा, तो आप जो है सर्विसेज को सर्च करेंगे इस पे, इंस्टॉलमेंट में भी जो सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे तो यहां सर्विसेज भी इस तरह का आइकन दिखेगा, खुद इसको खोल लीजिएगा। अब इस पे एस जाके टाइप कीजिए तो एस सीरीज के सारे आ जाएंगे। ये रहा आपका एसक्यूएल सर्वर और इसमें आपको देखिए क्या है, एसक्यूएल सर्वर और आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है आईपीटी, ये आपका सर्वर नेम है। और ध्यान रखिएगा ये रनिंग होना चाहिए, अगर रनिंग नहीं है तो आप इसको यहां से रन करें। एसक्यूएल सर्वर में आपका आईपीटी होना जरूरी है। तो अब आप जो है यहां पे आएंगे और जस्ट आईपीटी लिख देंगे तो इससे आपका कनेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे आपको आपका पीसी नेम, जैसे मेरा डेस्कटॉप -NS करके आ रहा है और स्लैश में आईपीटी होना चाहिए, उसके बाद इसको यहां से कनेक्ट करें, तब आपका सर्वर आपका कनेक्ट हो जाएगा। फिर भी आपका सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका एसक्यूएल सर्वर में जैसे आपने सर्वर इंस्टॉल किया है, सर्वर क्रिएट नहीं किया है। तो सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में हम अगली क्लासेस में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मैं पर डे तकरीबन 20 से 50 वीडियोज अपलोड करता हूँ MIS से रिलेटेड। डेली आपको 20 से 50 टॉपिक सीखने को मिलता है। मेरा टारगेट है कि मैं 2019 इस महीने दिसंबर खत्म होने से पहले अपने चैनल के ऊपर 5000 वीडियोस कंप्लीट करूं, मतलब कि 2500 अभी तो है, 2500 नए वीडियोस और आपको मिलेंगे, नए टॉपिक्स मिलेंगे। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और मेरे साथ सीखिए कंप्लीट MIS सपोर्ट ऑटोमेशन।